ग्राम लोध देव धाम में चल रही शिव महापुराण की कथा का कल तीसरा दिन था, जहां पर पंडित श्याम जी ने कहा कि हमें किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा प्रश्न खड़े करने वाले एक दिन स्वयं प्रश्न बन जाते हैं, उनका जीवन प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। महारानी सती का चरित्र हमें बताता है कि वह भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी, लेकिन स्वयं प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न बन गई। उन्होंने स्वयं सती से सीता का रूप ले लिया। वे गई तो थी परीक्षा लेने, लेकिन स्वयं प्रश्न बन गई। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रश्न खड़े करने के बजाय स्वयं समाधान बने। व्याकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत अधूरा और टेढ़ा मेढ़ा होता है, जबकि पूर्ण विराम बहुत सरल और सीधा होता है। जो लोग सरल और समाधानकारी होते हैं वह पूर्ण विराम की तरह होते हैं, और पुराण हमें पूर्ण विराम ही बनाते हैं। विद्वान वक्ता पंडित मनावत जी उज्जैन ने कहा कि परीक्षा लेने से नहीं, परीक्षा देने से आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद में परीक्षा लेने वाले कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि कक्षा उन्नत वही होता है जो परीक्षा देता है, और किसी की परीक्षा लेने से बचे और जीवन में परीक्षा की घड़ियां हैं तो वह घबराए मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ज़रूर अगली कक्षा मिल जाया करती है। और मंदिर में तपस्वी पड़िहार श्री बंसीलाल जी बासाब ने व नगर के रावल परिवार ने व्यासपीठ का पूजन किया। श्री भगवती प्रसाद जी रावल ने पंडित श्याम जी मनावत का अभिवंदन और अभिनंदन किया। साथ ही में महेश जी द्विवेदी ने मधुर भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। नीरज जी रावल ने पूजा पाठ संपन्न कराया। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट।